आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल आयरन के बारे में आयरन डिफिशियंसी वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी है आयरन डिफिशियंसी यूजुअली किसी को भी हो सकती है बट ये प्रेग्नेंट एंड मेन्स्टुएटिंग वुमेन में ज्यादा प्रेविलेंट है आयरन डिफिशियं के सिम्टम्स हैं पूरे दिन थका थका फेटीक फील करना थोड़ी सी ही एक्टिविटी के बाद सांस फूल जाना और भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे हेडेक्स एंड हार्ट पैल्पिटेशन आयरन का फॉर 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 वुमेन एंड आरडी वुमेन अब आयरन के फूड सोर्सेज दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं हीम आयरन एंड नॉन हीम आयरन हीम आयरन जो कि बॉडी में सबसे अच्छा एब्जॉर्ब होता है वो मिलता है मीट पोल्ट्री एंड सी फूड से एंड नॉन हीम आयरन जो कि बॉडी में इतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता वो मिलता है स्पिनच नट्स एंड सीड्स में अब आयरन की एब्जॉर्ब इंक्रीज करने के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हो जैसे आयरन रिच फूड्स के साथ वाइटामिन सी रिच फूड्स को कंबाइन कर सकते हो और कैल्शियम रिच फूड्स को अवॉइड कर सकते हो अब एक बोनस टिप देता हूं और ये चीज मल्टीपल रिसर्चेज में भी देखी गई है कि जो लोग आयरन यूटेंसिल्स में खाना कुक करके खाते थे उनके हीमोग्लोबिन और फेरेटिन लेवल्स इंक्रीज हुए इतना सब के बाद भी अगर आपके ब्लड रिपोर्ट्स में आयरन हीमोग्लोबिन या फेरेटिन के लेवल्स कम आए तो आपको एक अच्छा आयरन सप्लीमेंट कंज्यूम करना चाहिए होप दिस हेल्प्स